राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम इस वीडियो को माध्यम बनाकर बैसाख माह में जल दान व छाया दान का विशेष महत्व लेकर आए हैं। वीडियो को आगे ले जाने से पूर्व हम सर्वप्रथम भगवान श्री हरि के द्वादश अक्षरी मंत्र, जो भगवान श्री हरि को अति प्रिय है, इसका श्रवण करेंगे। यह मंत्र वैसे तो सभी दर्शक जानते हैं। यह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र भगवान की कृपा प्राप्त करने का सरल उपाय है। इस मंत्र की बैसाख माह में नित्य सुबह कम से कम एक माला अवश्य करें। यह मंत्र मनुष्य की सभी परेशानी से मुक्ति दिलाने वाला रामबाण उपाय है। ओम का अभिप्राय होता है, मैं भगवान वासुदेव कृष्ण या भगवान विष्णु को नमन करती हूँ या करता हूँ। शारीरिक ऊर्जा, मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति की कामना रखने वालों के लिए यह मंत्र औषधि का कार्य करता है। बैसाख माह में जल दान का विशेष महत्व जानने से पूर्व, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजा अम्बरीश महर्षि नारद जी से प्रश्न करते हैं, हे मुनि, माधव माह में जल दान का क्या विशेष महत्व है, कृपा करके मुझे समझाइए। तब महर्षि नारद जी बोले, बैसाख माह के समान अन्य दूसरा कोई महीना नहीं, सतयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं, वेदों के समान दूसरा कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई पवित्र तीर्थ नहीं, जल दान के समान कोई दान नहीं, तथा भार्या के समान कोई सुख नहीं, खेती के समान कोई दूसरा धन नहीं, और व्रत के समान दूसरा कोई तप नहीं, दान के समान कोई सुख नहीं, और दया के समान कोई दूसरा धर्म नहीं, नेत्रों के समान अन्य कोई ज्योति नहीं, भोजन के समान कोई तृप्ति नहीं, खेती के समान कोई व्यापार नहीं, धर्म के समान कोई हितैषी नहीं, सत्य के समान अन्य कोई यश नहीं, आरोग्य के समान दूसरा कोई सुख नहीं, केशव के समान कोई रक्षक नहीं, और माधव तुल्य संसार में कोई पवित्र नहीं। ऐसा परमोत्तम वैशाख महा शेषधारी भगवान को अत्यधिक प्रिय है। भगवान को प्यारे इस माह में जो लोग बिना व्रत किए व्रतीत करते हैं, वे धर्महीन होकर शीघ्र ही पशु योनि को प्राप्त होते हैं। इस मनुष्य का शरीर धारण कर कुएं, तालाब खुदवाना, फल और छायादार वृक्ष लगाना, यह सब धर्म के कार्य हैं। जो मनुष्य बैसाख माह में नियम पूर्वक भोजन करते हैं, वह भगवान श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होते हैं, इनमें तनिक भी संदेह नहीं। बैसाख माह में भगवान श्री हरि को प्रिय इस माह में प्राणी मात्र स्नान आदि का व्रत धारण करने से संसार के आवागमन से सदा के लिए मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा जो पुण्य बड़े दान यज्ञ करने से, संपूर्ण तीर्थों के स्नान करने से मिलता है, वही पुण्य वैसाख माह में जल दान करने से मिल जाता है। जो व्यक्ति कार्य व्यापार के कारण जल दान नहीं कर सकते, वे ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए दूसरों से कहकर दान पुण्य जल दान करा सकते हैं। यह कार्य भी सभी दानों से अधिक पुण्य फल देने वाला है। तराजू के एक पलड़े में सभी प्रकार के यज्ञ दान और दूसरे पलड़े में जल दान रखें तो जल दान वाला पलड़ा ही भारी मिलेगा। जो व्यक्ति मार्ग में यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है, वह अपने करोड़ों कुलों का उद्धार कर विष्णु लोक हो जाता है। जो भी व्यक्ति जल दान की इच्छा रखता हो, वह अवश्य ही जल दान, छत्री दान व छायादार वृक्ष लगवा कर छाया दान करे, गरीबों व दीन दुखियों को पंखे दान करे। इस संसार में जितने भी दानों का हमारे शास्त्रों में वर्णन है, उन सभी में जल दान, छत्र दान, पंखा दान सभी दानों में उत्तम बताए गए हैं। अतः वैशाख माह में इन उत्तम दानों का पुण्य फल अवश्य दान करके प्राप्त किया जा सकता है। जो भी व्यक्ति वैशाख माह में कुटुंबी ब्राह्मण को जल से बड़ा घड़ा दान देता है,
वह मृत्यु के पश्चात वैकुंठ लोक को जाता है। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता वह मृत्यु के पश्चात चातक योनि को प्राप्त करता है। जो भी व्यक्ति प्यासे को पानी पिलाता है वह राजसूय यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त करता है। जो भी व्यक्ति इस माह में जरूरत वाले व्यक्ति को पंखा दान नहीं देता वह व्यक्ति वात रोग से पीड़ित होकर दुर्गम नरक की यातनाएं भोगता है। जो व्यक्ति थके पथिक ब्राह्मण की वस्त्र से हवा करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि के सानिध्य को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति शुद्ध मन से ताड़ के पंखे दीनहीन और जरूरत वाले व्यक्तियों को दान देता है वह सभी प्रकार के पापों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति इस संसार में अनेकों प्रकार के सुखों को भोगकर विष्णु लोक जाता है। महर्षि नारद जी कहते हैं, हे राजन, आध्यात्मिक दुखों की शांति के लिए वैशाख माह में छत्री अवश्य दान करें। जो व्यक्ति सामर्थ्यवान होते हुए ये कार्य नहीं करते उन्हें मृत्यु के पश्चात कहीं भी छाया नसीब नहीं होती और वे पिशाच बनकर पृथ्वी पर भूख प्यास से पीड़ित होकर रेगिस्तान में घोर कष्ट भोगते हैं। जो व्यक्ति तपती धूप वाले स्थानों में जाकर जूते चप्पल दान देते हैं उन्हें यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। ब्राह्मण याचक के मांगने पर खड़ायूं दान करने वाला करोड़ों जन्म तक इस पृथ्वी पर राज सुख भोगता है। जो मार्ग में अतिथियों के लिए विश्राम गृह बनवाता है उनके पुण्य फल का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। दोपहर को अतिथि को भोजन कराने वाला व्यक्ति भगवान को अति प्रिय होता है। उसके पुण्य फल स्वयं विधाता भी नहीं बता सकते। भूखे व्यक्ति को घर परिवार स्त्री बच्चे अलंकार कुछ भी अच्छे नहीं लगते। पेट भरा होने पर भी ये सभी चीजें प्रिय लगती हैं। इसलिए अन्न जल दान महादान की श्रेणी में आता है। जो मनुष्य सामर्थ्यवान होकर भी अतिथि ब्राह्मण और भूखे को अन्न जल का दान नहीं कराते वह मृत्यु पश्चात पिशाच बनकर पृथ्वी पर भूख से व्याकुल होकर अपना स्वयं का मांस खाकर भूख को शांत करता है। इसलिए यथाशक्ति जल अन्न दान अवश्य करें। हे राजन, अन्नदाता माता पिता को भी भुला देता है। लोग दानी को ही अपना सर्वस्व समझने लगते हैं। इसलिए तीनों लोकों में सभी अन्न की प्रशंसा करते हैं। माता पिता केवल जन्म देते हैं परंतु विद्वान लोग अन्न के दानी को ही पिता कहते हैं। इसलिए हे राजन, अन्न दाता में सभी धर्म निवास करते हैं। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।